आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्पेशली ना हमारा चैनल मतलब कहाँ आया, स्पेशली आपको रिव्यू देने आया था कश्मीर फाइल्स को लेके, जो कि इतनी क्रेज़ मतलब कि छाई हुई है हर जगह पे, इस मूवी का क्रेज़ है। तो आइए और कुछ बात करते हैं लोगों से रिव्यूज़ अबाउट मूवीज़। तो हम बात करेंगे जो जाने वाले उनसे एक्साइटमेंट के बारे में, जो देख कर आ रहे हैं उनके रिव्यूज़ के बारे में। तो देखते रहिए आगे, हम उनको दिखाना चाहते हैं। बेसिकली हमारे साथ तो हुआ है ये बीता, हमने आंखों देखा है, हमने देखा हुआ। तो हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए, तो हम उनको देखना दिखाना चाहते हैं ताकि वो अवेयर हो जाए हमारे साथ क्या हुआ। हेलो, तो आपके फादर ने आपसे कहा कि आप भी एक्साइटेड हैं मूवी जी? बिल्कुल। किस किस को लेके, जो पापा ने देखा हुआ आपके, अपनी हिस्ट्री को पता करना है हमें। लाइक हमें पता नहीं है, हम बाद में पैदा हुए हैं सबके, तो किसी ने बताया भी नहीं है। तो माँ बाप से ही सुना है जो सुना है, अब खुद देखेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, बस यही। हमारे साथ गुजरा वही तो हम देख रहे हैं, सबको पता चलेगा कि हमारे सामने देखा है। तो मतलब कि जो वो डर था इस मूवी में झलक रहा कह रहे हैं, तो जो बीती हुई है वो आपके सामने, और आप लोग जब देखोगे तो वो क्या लगता है, क्या बीती, क्या लगेगा दिल को? तो जुड़े हैं हमारे साथ, ये हुआ है, हमने भुगता है इसको, हमने प्रैक्टिकली इसको देखा है। आज बड़े थैंक्स कर रहे हैं हम उस डायरेक्टर साहब के और बाकी लोगों के जिन्होंने इसको पर्दे पे लाया है, जिन्होंने इसको पर्दे पे लाया और दुनिया देख रही है इसको, ये सबसे बड़ी बात है। और दुनिया को आज पता चला 30-32 साल के बाद कि वाकई कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन हमें पता है कि हमारे माँ बाप के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ कैसे इज्जत लूटी गई, कैसे हमें लूटा गया, कैसे हमें बाकी चीज़ें की गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम देखने आए। थैंक यू। देखनी चाहिए मूवी हम लोग, हाँ सब लोगों को देखनी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, सब लोग देखें, मैं तो यही बोलूँगा। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आइए और जानते हैं लोगों के रिव्यूज़ अबाउट मूवीज़। तो हेलो सर, आपका नाम? अनिल भंडारी नाम है। तो आप बताएंगे मूवी का रिव्यू आपके अकॉर्डिंग? अब मूवी तो क्या बताऊँ, आंदोलन है एक प्रकार का, मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे देखने आ रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू। ओके एक्सक्यूज सर, आपका नाम? मिंटू। सर आपका रिव्यू क्या मूवी को लेके? अच्छी थी। अच्छी है आपके अकॉर्डिंग? इंद्रधनुष की हिस्ट्री दिखाई अच्छा है। अच्छा ओके। हेलो सर, आपका नाम? हिम्मत सिंह। तो सर आपने मूवी देखी, क्या रिव्यू आपका मूवी को लेके? अच्छी है, सबको देखनी चाहिए, रियलिटी सबके सामने आनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? आशीष, आशीष कोटवाल। सर आपका मूवी के लिए क्या रिव्यू है? बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। ये उस टाइम के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से दिखाई गई हैं। इसको बहुत, इसको मूवी को अवार्ड मिलना चाहिए। ओके थैंक यू। हेलो सर, रिव्यू नहीं देने को गई थी यार भाई, इतना तो कम से कम कर। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड। हेलो अंकल, कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो आपका रिव्यू क्या मूवी के लेके? बहुत अच्छी मूवी है, सच दिखाया गया है लेकिन अधूरा सच है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट डोडा है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। वहाँ पर भी इससे ज़्यादा जेनोसाइड हुआ है, कत्लोगारद हुआ है, मर्डर किया गया है। दो बरातों को इकट्ठा करके, अभी उनकी डोली घर नहीं पहुंची थी, उनके हस्बैंड्स को उनके सामने मारकर दिन दहाड़े डोडा डिस्ट्रिक्ट के चापनाड़ी एरिया में मारा है। किश्तवाड़ से आती हुई बस को सरथल रोड पर, लिंक रोड पर लेकर उस बस में से हिंदुओं को अलग करके उनको मारा है। मेरा उसमें एक फ्रेंड था, मेरा क्लास फेलो उसमें था। एक जगह है ठाठरी के पार, डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही है वो, बरछला है। वहाँ पर हिंदू लोग गांव में रहते जो हैं, एक मंदिर में वहाँ पर उन लोगों ने रामायण लगाई थी, रामायण देख रहे थे। तो मिलिटेंट को पता चला, वो आए वहाँ पर 5-6 मिलिटेंट, उन्होंने आके वहाँ पर उनको इकट्ठा किया, आओ हमको रास्ता दिखाओ। 10 कदम आगे जाकर 14 लोगों की लाश बिछा दी रात के वक़्त। ऐसे बहुत हादसे हुए हैं। ऐसे एक डोडा के नज़दीक है भरत, वहाँ पर भी कत्ल हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। घर में मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक रिश्तेदार है, उसको काट कर, छाती से काट कर उसका कलेजा निकाल कर उसको जिंदा मार दिया है। मूवी के लिए बताएंगे कि जैसे बिटा कराटे ने जैसे 25 हमारे कश्मीरी पंडित जवानों को मारा, तो हम चाहते हैं कि बिटा कराटे को फांसी दी जाए, क्योंकि हमारे देश, हमारे जो मतलब माँ बाप के भाई वगैरह जिनको कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तो मैं यही कहना चाहूँगा बिटा कराटे को फांसी दी जाए। फांसी दी जाए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अंकल एक्सक्यूज मी, आपका क्या रिव्यू है मूवी को लेके? वेल डन। ओके वेल डन। हाय सर, आपका नाम? हाँ जी, कोई रिव्यू देना मूवी को लेके? हेलो सर, कोई नो मूवी, अरे रुक जाइए, कोई रिव्यू आपका मूवी को लेके? मूवी तो बड़ी अच्छी लगी हमें, देखने के लिए लायक थी,
आज जो भी हमारे साथ हुआ, हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत दुख हुआ, हम वो भी देखते देखते हमारे टाइम पे हमारे अभी हमारी ज़मीन शमीन वहाँ पे सारी पड़ी हुई है कश्मीर में। हमने हम भी चाहते हैं कि हम भी वापस जाए कश्मीर में, थोड़ा देखें हम भी क्या होता है, हालात क्या है, वो सब कुछ अब देखते क्या होता है, कब जाएंगे। रिव्यू मैम यही देना चाहते हैं कि सच्चाई दिखाई गई है। हमारे घर पे हमें पहले भी बताया गया था इन सब के बारे में, बट जो एक्चुअली जब सामने देखते हैं तो फिर बहुत अलग सा फील होता है, बुरा फील होता है। उस टाइम लोगों की क्या मेंटालिटी रही होगी, क्या रहा होगा और कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती है उसके बाद। ओके तो नेक्स्ट पकड़ते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? तो आप बताएं कि मूवी के लिए रिव्यू कैसे लगे? ट्रू सही है, पूरी क्लियर है, क्लियर। तो आप रेकमेंड करते हैं बाकी लोगों को देखने के लिए? मैं जवान था, मैं वहीं पर था, जो कुछ मैंने देखा वो यहाँ पर भी देखा, सेम था। थैंक यू सो मच सर, सबको चाहिए देखिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं मैम, कुछ कहना चाहते हैं, कैसी है मूवी? मूवी तो ये कोई जो हम पर गुजरा था वो आज इन्होंने, ये उस वक्त होना चाहिए था कोई जो हमारा मदद करेगा, उस वक्त कोई नहीं निकला, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। ये इस वक्त दिखाते हैं, इससे क्या फायदा है? ये उस वक्त हमें, ये तो हमें हम पर गुजरा है, इस ये तो हम पर गुजरा है, ये हम आप देख, ये इधर के लोगों के लिए जिन्होंने हमें बोला था उस वक्त आप कैसे निकले, क्यों निकले, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये हम पर गुजरा है, ये उन लोगों को दिखाना चाहिए जिनको ये पता नहीं था, जो हम पर भरोसा नहीं करते, जिस गवर्नमेंट ने हमें साथ नहीं दिया था, उधर हमें मुसलमान बोलते थे, सब बोलते थे, अगर इनको कोई हाथ लगाएगा तो पूरा इंडिया इन पर मर जाएगा, कोई इंडिया का बाहर नहीं निकला, किसी इंडिया ने हमारी कोई मदद नहीं की, किसी ने कुछ नहीं, उस वक्त कोई दिखाई नहीं दिया, ये तो अब इनका बड़ापन है अग्निहोत्री करने की, ये आज इन्होंने दिखाया, अब लोग डरते रहे कि अब देख लो कि ये ऐसा, उस वक्त किसी ने, उस वक्त जो हमारे साथ गुजरा, हमारी नौकरियां, हमारी ये कोई प्रमोशन कोई चीज़ नहीं हुआ, गवर्नमेंट जो उधर थी, जो इस वक्त इधर भी थे, हम नाम नहीं ले सकते, हम नाम नहीं ले, वो बोलते थे आप माइग्रेंट हो, हमें आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार नहीं है, हमें आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज देखने आते हैं मूवी। हेलो सर, जिंदाबाद, मोदी को वोट देते रहो तो बस कश्मीर सब सही हो जाएगा। सर रिव्यू दे सकते हैं कुछ? कैसा रिव्यू? रिव्यू इज दिस, इफ यू वांट टू सेव द इंडियन स्टेट, यस सर, यू हैव टू डिमोलिश द इस्लामिक फंडामेंटल स्टेट, दैट्स इट। अगर आपको देश में हिंदुता बचानी है, मुसलमान जो फंडामेंटलिस्ट है उनको ख़त्म करना पड़ेगा, फंडामेंटल मुस्लिम्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और सर कोई रिकमेंडेशन मूवी को देखने के लिए देंगे आप? रिकमेंडेशन है कि एवरीबडी शुड सी दिस मूवी, ये किसी को किसी के एहसान नहीं रखना है, ये दिस नॉट अ मूवी ऑफ कश्मीरी पंडित्स ओनली, दिस इज अ मूवी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ कश्मीर, एवरी हिंदू इन इंडिया। ये अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर में जेनोसाइड कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट 1300 ईयर से होता रहा है एंड इट्स कंटिन्यूइंग। थैंक यू करते हैं इनसे। तो सर मूवी का क्या रिव्यू आपके लिए? मूवी तो बिल्कुल अच्छी है, उसने जो बनाई है सोच समझ के बनाया, मगर अभी तो 60% इसका कवर करना बाकी है, बाकी तो हमने बहुत झेला है, जब से हमने जन्म लिया बहुत झेला है। तो जैसे कि आप सबने लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग बोलना नहीं चाहते, कुछ लोगों ने बोला, अपने ओपिनियंस दिए कि सच अधूरा है, वो इसको पहुँच होना चाहिए, तो ये सब रिव्यूज़ हमारे अकॉर्डिंग कश्मीर फाइल्स के लिए, तो देखते रहिए द फोर्थ स्टेट विद नेहा अग्रवाल।